हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर इस वीडियो में टॉप 10 चीपेस्ट नेकेड बाइक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, यानी कि 10 ऐसे बाइक जो कि अपने सेगमेंट में सस्ते रेट पे आपको मिल जाती है अगर आप कोई एक नेकेड सेगमेंट की स्पोर्टी लुक वाली बाइक खरीदने की सोच रहे होंगे, जिसको कॉलेज जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए या फिर डेली यूज के लिए भी लेना चाहते हैं। तो ये 10 बाइक ऐसे हैं जो आपको पसंद आ सकती है। मैंने यहाँ पे इनके प्राइस के हिसाब से लिस्ट किया है। जो थोड़ी सी महंगी है उसके बारे में पहले बात करेंगे, जो सबसे सस्ती मिलेगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 10th नंबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे इस लिस्ट में जो 10th नंबर पे है, होंडा कंपनी की हॉर्नेट 2.0 है, जिसके लुक और डिजाइनिंग भी आप देख सकते हैं नेकेड सेगमेंट की बाइक है और इसकी लुक आपको पसंद आ सकती है। स्पोर्टियस सेगमेंट में नेकेड सेगमेंट की बाइक देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 184.40 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, जो कि 17.26 पीएस का पावर और 16.1 एनएम का टॉर्च इन करती है। साथ ही इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स भी दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है, रियर की साइड मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। फ्रंट और रियर में आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, रियर में थोड़े चौड़े टायर्स दिए गए, बाकी सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है। फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है, लेकिन इसके डिस्प्ले में गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। वह इसके टैंक के ऊपर की दी गई है, जो कि इसके लुक और भी बढ़ा देती है। माइलेज की बात करें तो 45 से 50 एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज भी देगी। टॉप स्पीड इसकी 130 एमपीएस तक है। बाकी इसकी जो सीट हाइट है 790 एमएम की है, इसका जो कर्व हाइट है 142 केजी है। वहीं प्राइसिंग की बात आती है तो सिंगल बेयरिंग के साथ मिलती है होंडा हॉर्नेट की, जो एक्सरूम प्राइस है 136,583, यानी कि 1,36,583 रुपए तक है, जिसकी ऑनरोड प्राइस लगभग 158,500, यानी कि 1,58,500 रुपए तक चली जाती है। तो यही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th नंबर पे कौन सी आपको सस्ती बाइक मिल जाएगी। वो सुजुकी कंपनी की जिक्सर 155 है, ये भी थोड़ी सी स्पोर्टियर लुक के साथ मिल जाती है। यहाँ पे 155 सीसी का इंजन भी लगा हुआ है, जो कि 13.6 पीएस का पावर और 13.8 एनएम का टॉर्च इन करती है। तो पावर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जरूर मिलती है, बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट एरिया में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर भी दिया गया है और इसमें भी आपको सिंगल चैनल का एबीएस मिलेगा। एलईडी हेडलैम्प के साथ डीआरएस लगा हुआ है। फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर ऐड कर दिया गया है। वहीं माइलेज की बात करें तो 45 की एमपीएल तक माइलेज इसमें भी आराम से मिल जाएगी, बाकी जो टॉप स्पीड है 120 की एमपीएस तक है। वहीं इसकी जो सीट हाइट है 795 एमएम की है और इसका जो कर्व हाइट है 141 केजी है। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो एक्सरूम प्राइस है 134,800, यानी कि 1,34,800 रुपये से स्टार्ट होती है। और वहीं इसकी जो ऑनरोड प्राइस है 158,814, यानी कि 1,58,814 रुपये से स्टार्ट होती है। वहीं आगे बात करते हैं 8th नंबर की, तो यहाँ पे बजाज पल्सर की NS160 आपको मिल जाएगी, जो कि एक काफी अच्छी पावरफुल इंजन के साथ भी मिल जाती है। बाकी लुक और डिजाइनिंग भी काफी सारे लोगों को ये पसंद आती है। हालांकि ये 125 सीसी में भी आती है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में जितनी भी बाइक है मैंने 150 सीसी से जो ऊपर है उनको ही शामिल किया है, जिससे कि आपको एक अच्छी पावर भी बाइक्स पे मिल सके। और इसमें 160.3 सीसी का इंजन भी लगा हुआ है, जो कि 17.2 पीएस का पावर और 14.6 एनएम का टॉर्क भी इंजन करती है। बाकी इसके फ्रंट में अब अपसाइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन भी दे दिया गया है और इसकी जो टायर साइज है वो भी आप चौड़े मिल जाते हैं। फ्रंट के साइड 100 सेक्शन का, रियर में 130 सेक्शन का टायर मिल जाता है, जो कि 17 इंच का है। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है, क्योंकि ये ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ भी आती है। बाकी इसमें हैलोजन हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा, सेमी डिजिटल मीटर पहले जैसे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिया गया है। माइलेज की बात करें तो ये भी आपको 45 से 50 एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगी, टॉप स्पीड 132 की एमपीएस तक है। बाकी जो इसकी सीट हाइट है 805 एमएम की है, इसका जो कर्व हाइट है 152 केजी है। प्राइसिंग की बात करें तो बजाज पल्सर NS160 का जो एक्सरूम दिल्ली प्राइस है 134,675, यानी कि 1,34,675 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगभग आपको 156,500, यानी कि 1,56,500 रुपये तक देखने को मिल जाती है। तो इस लिस्ट में जो 7th नंबर पे है, ये भी बजाज कंपनी की पल्सर N160 है। यहाँ पे इसके लुक और डिजाइनिंग आपको थोड़ी सी नए लुक के साथ मिल जाती है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेक्शन भी लगा हुआ है, फ्रंट से इसका लुक काफी बेहतर लगती है। बाकी इसमें भी आपको 164.82 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 16 पीएस का पावर और 14.65 एनएम का टॉर्च इन करती है, लेकिन इसमें आपको फ्रंट में केवल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, ऑफ साइड डाउन के साथ नहीं आती है। बाकी फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर भी दिया गया है, सिंगल चैनल का एबीएस और डुअल चैनल का एबीएस आपको ऑप्शनल मिल जाता है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगा हुआ है, इन्फिनिटी डिस्प्ले दी गई है। बाकी इसमें भी आपको माइलेज 45 की एमपीएल तक देखने को मिल जाएगी, टॉप स्पीड 130 की एमपीएस तक है। वहीं इसकी जो सीट हाइट है 795 एमएम की है और इसका जो कर्व वेट है 154 केजी है, यानी कि एनएस से थोड़ी सी भारी है। बाकी जो प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो प्राइस है 129,645, यानी कि 1,29,645 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 156,000 रुपीज़, यानी कि 1,56,000 रुपये तक चली जाती है। तो NS से ये ज़्यादा सस्ती नहीं है, थोड़े बहुत आपको प्राइस में अंतर देखने को मिलेगा। तो इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं 6th नंबर पे, जो कि यमहा कंपनी की FZS वर्जन 4 है, जो कि अभी लेटेस्ट 2023 मॉडल में लॉन्च भी हुई थी, जहाँ पे आपको 149 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 12.4 पीएस का पावर और 13.3 एनएम का टॉर्च इन करती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, लेकिन इसमें भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। फ्रंट और रियर में 17 इंच का टायर लगा हुआ है, लेकिन जो रियर का टायर है 140 सेक्शन मिल जाता है, काफी चौड़े टायर्स दिए गए हैं। सिंगल चैनल का इसमें एबीएस दिया गया है, एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है।
फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया जो कि यामा वाई कनेक्ट के साथ भी आती है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 45 से 50 केएमपीएस तक माइलेज भी देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड इसकी थोड़ी सी कम है 118 केएमपीएस तक है, क्योंकि पावर इसमें थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। बाकी जो सीट हाइट है 790 एमएम की है, इसका जो कर्व है 136 केजी है। प्राइसिंग की बात करें तो यामा एफजीएस वर्जन 4 का जो एक्सट्रीम प्राइस है 127,900 यानी कि 127,900 रुपये तक है, जिसके ऑनरोड प्राइस 145,100 यानी कि 145,100 रुपये तक चली जाती है। तो इस लिस्ट में जो फिफ्थ नंबर पे है, जिन लोगों को अपाचे सीरीज के बाइक पसंद आते हैं, तो यहाँ पे अपाचे 164 भी आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितने बाइक से ये सस्ती आपको अपाचे की ये बाइक देखने को मिल जाती है, जिसमें 159.7 सीसी का इंजन लगा हुआ है। ऑयल कूलिंग इसमें इंजन मिल जाती है, जो कि 17.55 पीएस का पावर 14.73 एनएम का टॉर्क इंजन करती है। लेकिन इसमें भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, अपसाइड डाउन फॉक होता तो थोड़ी सी बेहतर आपको देखने को मिल जाती परफॉर्मेंस। बाकी इसमें फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। इसमें आपको केवल सिंगल चैनल का एबीएस मिलता है। एलईडी हेडलैम्प सेटअप के साथ डियाज दिया गया है। फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ भी मिल जाएगी। वहीं इसमें राइडिंग मोड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स भी दिए गए हैं। बाकी माइलेज की बात करें तो 45 केएमपीएस तक माइलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड 132 केएमपीएस तक है। बाकी जो इसकी सीट हाइट है 800 एमएम की है और इसका जो कर्व वेट है 145 केजी है। प्राइसिंग की बात करें तो सबसे बेस वेरिएंट का इसका जो एक्सट्रीम प्राइस है 123,770 यानी कि 123,770 रुपए से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। बाकी जो स्पेशल एडिशन है वो तो आपको काफी महंगी मिलेगी, लेकिन आपको अपाचे इतने कम प्राइस में भी देखने को मिल जाती है बेस वेरिएंट, जिसकी ऑनरोड प्राइस लगभग 143,620 यानी कि 143,620 रुपए से स्टार्ट होती है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हुंडा कंपनी एक्स ब्लेड आपको मिल जाती है, जो कि सस्ते रेट पे आपको मिल जाएगी। बाकी इसके लुक और डिजाइन देख सकते हैं, अगर आपको लुक पसंद आती है तो इसके साथ जा सकते हैं। बाकी इसमें 162.71 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 13.86 पीएस का पावर और 14.7 एनएम का टॉर्क इन करती है। बाकी इसके भी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसके फ्रंट और ये में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। सिंगल चैनल का इसमें एबीएस दिया गया है, जो कि एलईडी हेडलैम्प सेटअप के साथ भी ये बाइक आ जाती है। और यहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगी, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है। वही माइलेज की बात करें तो इसमें भी आपको 45 केएमपीएस तक माइलेज देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी जो सीट हाइट है 795 एमएम की है और वहीं इसका जो कर्व वेट है 143 केजी है। बाकी इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस सिंगल वेरिएंट के साथ फिलहाल मिल रही है, जिसकी एक्सट्रीम प्राइस 121,330 यानी कि 121,313 रुपए तक है, जिसकी ऑनर प्राइस लगभग 141,800 यानी कि 141,800 रुपए तक चली जाती है। वहीं इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे है, ये भी एक अपाचे सीरीज की बाइक है, जो कि अपाचे 162 भी मॉडल है। तो इसका लुक आप डिजाइनिंग देख सकते हैं, काफी सारे लोगों को ये बाइक बहुत पसंद आती है। इसमें भी 159.7 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 16.04 पीएस का पावर और 13.85 एनएम का टॉर्क इन करती है। 4B मॉडल से थोड़ा सा कम है आपको पावर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट और रियर में 17 इंच का टायर मिल जाता है। सिंगल चैनल का एबीएस दिया गया है। एलईडी हेडलैम्प सेटअप और डियाज के साथ देखने को मिल जाती है। फुली डिजिटल डिस्प्ले स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है। ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी दी गई है। राइडिंग मोड से मिल जाते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है। बाकी माइलेज 45 से 50 केएमपीएस तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टॉप स्पीड इसकी 128 केएमपीएस तक है, जो कि राइडर्स के द्वारा यह है, बाकी कंपनी तो काफी कम इसकी टॉप स्पीड बताती है। वहीं इसकी जो सीट हाइट है 790 एमएम की है, इसका जो कर्व वेट है 137 केजी है। प्राइसिंग की बात करें तो सबसे बेस वेरिएंट के साथ इसकी जो प्राइस है 119,320 यानी कि 119,320 रुपए से स्टार्ट होती है, जिसके ऑनरोड प्राइस लगभग आपको 140,000 रुपए तक देखने को मिल जाती है। तो इस लिस्ट में जो सेकेंड नंबर की बाइक है वो हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 160R है। हालांकि इसमें काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको सस्ते रेट में मिल जाती है। लेकिन अगर इसके स्टील्थ एडिशन में आप जाएंगे तो आपको महंगी मिलेगी। तो आप बेस वेरिएंट के साथ जाइएगा, सस्ती मिल जाएगी। जिसमें 163 सीसी का इसमें इंजन लगा हुआ है, जो कि 15.2 पीएस का पावर 14 एनएम का टॉर्क इन करती है। बाकी इसमें आपको किक स्टार्टर भी देखने को मिल जाता है, तो एक अच्छी बात है। वहीं इसमें सिंगल चैनल का एबीएस दिया गया है। बाकी एलईडी लैंप के साथ डियाज देखने को मिल जाती है। फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आती है। वहीं इसमें हजार्ड लाइट भी दिया गया है। बाकी इसके फ्रंट में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और वहीं इसके फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। माइलेज 50 केएमपीएस तक अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी। टॉप स्पीड 125 केएमपीएस तक है। वहीं इसकी जो सीट हाइट है 790 एमएम की है और इसका जो कर्व वेट है 138.5 केजी तक है। बाकी इसके सबसे बेस्ट वेरिएंट का जो एक्सट्रीम प्राइस है स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ 118,886 यानी कि 118,886 रुपए तक है, जिसकी ऑनर प्राइस लगभग 138,000 रुपीज यानी कि 138,000 रुपए तक चली जाती है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो कौन सी बाइक है, तो ये एक यामाहा की कंपनी की नेकेड सेगमेंट की बाइक है, जिसमें फीचर्स थोड़े से लिमिटेड मिल जाते हैं, लेकिन लुक वाइज आपको बेहतर मिल जाएगी। डेली कम्यूट के लिए आपको बाइक अच्छी मिल जाती है, जो कि यामाहा कंपनी की FZFI है, जिसमें आपको केवल 2 crore ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बेसिक से आपको ग्राफिक्स के साथ मिल जाती है, ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है।
वहीं इसमें इंजन 149cc का दिया गया जो कि 12.4 PS का पावर 13.3 NM का टॉर्जन करती है। बाकी सिंगल चैनल ABS के साथ ये भी आती है। फ्लूइड स्टार डिस्प्ले भी दिया गया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके FGS वर्जन में जाएंगे वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, वहाँ पे आपको कनेक्टेड फीचर मिल सकता है। बाकी इसमें भी आपको 50 km/h तक माइलेज देखने को मिल जाती है। ट्रैफिक में थोड़ा सा कम माइलेज मिलेगी। टॉप स्पीड 118 km/h तक है। वहीं इसकी जो सीट हाइट 790mm की है, इसका जो कर्व है 135 kg है। प्राइसिंग की बात करें तो FZFI का जो एक्सरूम दिल्ली में प्राइस है 1,16,200 यानी कि 1,16,200 रुपये तक है, जिसकी ऑनर प्राइस लगभग 1,32,000 रुपीज़ यानी कि 1,32,000 रुपये तक चली जाती है। तो ये 10 वो बाइक्स हैं जो कि नेकेड स्पोर्टी सेगमेंट में आपको सस्ते रेट पे मिल जाती है। और काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि TVS राइडर भी आपको मिल जाती है, तो 125cc में आती है तो उतना आप स्पोर्टी सेगमेंट में नहीं कर सकते। लुक वाइज आपको राइडर पसंद आ सकती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाइज है वो 150 से ऊपर जाते हैं तो ही आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो इनमें से कौन सी बाइक आपको पसंद आई, यहाँ पे वो 10 बाइक के बारे में बता दी है जो कि सबसे कम रेट में आपको नेकेड सेगमेंट में देखने को मिल जाती है, जो कि 150cc से स्टार्ट होते हैं, लगभग 200cc के आसपास जाती हैं बाइक्स। बाकी अगर आप फेयरिंग सेगमेंट में जाना चाहते हैं कौन सी सस्ती बाइक आपको मिल जाएगी, मैं उसे प्राइस के हिसाब से लिस्ट कर दूंगा जिससे कि आपको खरीदने में आसानी होगी। इस वीडियो देखने के बाद ये तो आपको पता चल गया होगा कौन सी वो बाइक है जो कि आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, किसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या माइलेज मिल जाती है। मैंने कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश किया है। वीडियो लंबी जरूर बन गई होगी, लेकिन सिंगल वीडियो में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।